सोलन में बरसातों के समय में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया था। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा था। घरों में पानी घुसने का मुख्य कारण नालों का मिट्टी से भरना है। शहर के नालों में मिट्टी भरने का मुख्य कारण यहाँ के स्थानीय लोग खुद हैं, जो कुछ पैसा बचाने के लिए आंख बचाकर प्लॉट से खोदी गई मिट्टी को नालों में फेंक देते हैं, जिसके कारण नाले ब्लॉक हो जाते हैं। नाले ब्लॉक हो जाने की वजह से पानी नालों के ऊपर बहने लग जाता है और घरों में घुसकर काफी नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ही मामला सोलन के बाईपास पर देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने प्लॉट की कटिंग कर सारा मलबा नाले में फेंक दिया है, जिसके कारण नाला काफी हद तक बंद हो चुका है। पानी आसपास के घरों को नुकसान पहुंचाने लग गया है, जिस बारे में प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन को लिखित शिकायत भी दी है। प्रभावित लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि कुछ रसूखदार लोगों द्वारा प्लॉट की खुदाई कर सारा मलबा नाले में फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से नाला बेहद संकुचित हो गया है। सारा पानी और मलबा पानी के साथ बहकर उनके घरों की ओर आ रहा है, जिससे उनके घरों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन नगर निगम के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वह चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और कोई सख्त कार्यवाही करे, ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसा कार्य न कर पाए। क्योंकि इससे पहले मैं ये एक एप्लीकेशन डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, कॉरपोरेशन में मेयर साहब को, सबको दे आया हूँ, और मैंने उन्हें बरसातों से पहले ही उनको आके बताया था, और मेरे पास आज भी वो एप्लीकेशन रिसीव करके मेरे पास पड़ी हुई है, जो मैं इन प्रशासन के मैंने नॉलेज में ये बात लाई थी, लेकिन किसी ने ये बात नहीं सुनी। ये जो नाला है, ये बहुत बड़ा नाला हुआ करता था, और आज आप देख सकते हैं कि ये नाला जो है सारा मिट्टी से भर दिया गया है, और ये मिट्टी के भरने की वजह से जो बरसातों का जो पानी आता है, ये मिट्टी बह बह के ही आगे को चली गई है, और इसकी जद में कई मकान आ गए हैं, और कई तो ऐसे हो गए हैं कि जिनके डंगे अभी कुछ समय पहले कमेटी से हमने एक डंगा लगवाया था अपने मकान के आगे, और अब ये स्थिति है कि वो डंगा भी उस मिट्टी उस डंगे के टॉप तक पहुंच चुकी है, और इन आगे के लिए ऐसी भी दिक्कत आ सकती है कि ये जो मलबा है ये घरों के अंदर घुस सकता है, घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी इसके से प्रशासन से मैंने पहले भी ये आग्रह किया था कि कृपा करके आप लोग आएँ, साइट विजिट करें, पर हमारी किसी ने ना सुनी। लापरवाही तो दिख ही रही है। ये एक नेशनल हाईवे है, और ये नेशनल हाईवे का पुल है, और ये अभी अभी बना हुआ है। आप देखिए कि इस तरीके से अगर यह मिट्टी उठती रही और ये मिट्टी की हाइट ऐसी बढ़ती रही, ये तो पानी कल को आगे को घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, और इसको भी खतरा है। एक छोटा सा नाला है जो एक ड्रेनेज है इस पुल के ऊपर से, तो ये ब्लॉक हो रहा है, जिससे ये घरों में पानी घुस सकता है इन फ्यूचर, और इस पुल को भी बहुत नुकसान हो सकता है। ये पहली पुल इतना सेफ नहीं है, और अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाएगी तो पानी से आपको पता है कि ये ढह सकता है कभी भी। हमने इनको डीसी, एसडीएम को, सबको ये ज्ञापन हम दे चुके हैं इस बारे में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम स्थानीय निवासी हैं यार, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सामने देखें तो कुछ बोलें उसके लिए। तो आज आपके माध्यम से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन तुरंत लिया जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। इस मिट्टी की स्टोरेज की वजह से पानी भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो रहा है, ठीक है, और इस पानी की स्टोरेज की वजह से जो घरों की नींव है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इन फ्यूचर ज़्यादा मिट्टी हो गई, बरसात का टाइम चल रहा है, पानी की वजह से वो नींव बह सकती है, ढह सकती है। तो हमारी सबकी ऐसे लोकल स्थानीय निवासी यहाँ की सरकार से अपील है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर फरमाया जाए, और जो भी सरकार की तरफ से जो चीज़ बनती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला।